मोदी जी और राहुल गांधी जी में बहुत बड़ा अंतर है जो मैं समझ पा रहा हूँ। मोदी जी एक ग्राउंड लेवल के आदमी हैं और राहुल गांधी जी को अभी कुछ और सीखना पड़ेगा। मोदी जी की वजह से रूल्स और रेगुलेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, स्ट्रिक्टनेस बढ़ी है काफ़ी। जैसे पुलिस वाले मतलब हाँ सतर्क हुए हैं, ध्यान देने लगे हैं चीज़ों पर। जो मोदी जी ने कर दिया वो कोई कर नहीं सकता जी। धारा 370 पे कोई हाथ नहीं लगा सकता था जो उन्होंने करके दिखाया। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ सर। अच्छा सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ सर। मेरा नाम सर विवेक शर्मा है और हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मकान फ्लैट्स वगैरह बनाकर हम सेल करते हैं। अच्छी बात है। अभी इलेक्शन है कल जी, तो गाजियाबाद लोकसभा सीट पे किसका जोर है अभी? एक्चुअली यहाँ पे जो फाइट है वो ये गर्ग साहब और डोली शर्मा के बीच है, जो इंडियन गठबंधन से और भाजपा से हैं। लेकिन ये तो बीजेपी का गढ़ रहा है पहले से ही ये वाली सीट, तो इस बार जो चांस हैं जीतने के वो मिस्टर गर्ग साहब के ही हैं। अच्छा, दो बार से जो सांसद थे जनरल वी के सिंह, इस बार भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, आपका क्या ये है कि उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र में काम नहीं किया है या क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में परिवर्तन ही एक सब कुछ मतलब सबसे बड़ी पॉलिसी है। मुझे जो लग रहा है बीजेपी जो परिवर्तन का दौर बीजेपी के अंदर चल रहा है, वी के सिंह ने काम बहुत अच्छा किया और 10 साल में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन यह है कि अब की बार जो है नए कैंडिडेट को लाके थोड़ा सा ये पब्लिक में मैसेज देने की कोशिश करी है कि परिवर्तन होना चाहिए। चलिए आपने परिवर्तन की बात करी तो पब्लिक भी परिवर्तन चाहती है नहीं चाहती, क्योंकि 10 साल बीजेपी राज को हो गया? मेरा मानना है जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। पहली चीज तो यह है कि जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम मतलब छोटों को मौका नहीं देंगे तो जीवन इसी चीज का नाम है। लेकिन छोटों से आपने बोला है, राहुल गांधी जी जो है मोदी जी से काफी छोटे हैं, यंग है, यूथ है एक तरह से, तो क्या आप उन्हें मौका नहीं देना चाहते? एक्चुअली क्या है कि मोदी जी और राहुल गांधी जी में बहुत बड़ा अंतर है जो मैं समझ पा रहा हूँ। मोदी जी एक ग्राउंड लेवल के आदमी हैं और राहुल गांधी जी को अभी कुछ और सीखना पड़ेगा। तो 10 साल में ऐसा क्या काम किया कि देश की जनता तीसरी बार उन्हें मौका देना चाहती है? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ट्रांसपेरेंसी। अभी मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर अंदर पहले जितने भी ये छोटे जो व्यापारी हुआ करते थे ये बेसिकली कैशमैन का लेन देन चलता था, लेकिन आज के टाइम में ना ऑनलाइन लेन देन को उन्होंने जो है बढ़ावा दिया है। आपने बोला डिजिटल जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके। जी 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 जी। अच्छा सर आप बिजनेस करते हैं, अभी मोदी राज में एक तो इन्होंने पहले किया था नोटबंदी किया था फर्स्ट टर्म में, उसके बाद ये GST इंट्रोड्यूस किया, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? GST बिजनेसमैन के लिए या एक आम आदमी के? देखो टैक्स तो आम आदमी को ही देना है अल्टीमेटली, लेकिन बिजनेसमैन के लिए GST और देश के लिए GST का क्या महत्व है और आप क्या समझते हैं उसके बारे में? एक्चुअली क्या है कि भाई साहब सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि अगर गवर्नमेंट के पास, हम जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं या जो बिजनेसमैन हैं, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जाएगा चाहे वो किसी भी रूप में जाए तो गवर्नमेंट तरक्की कैसे करेगी? आज देखो जो मैंने सुना है कि हर 5 मिनट में जो है 5 किलोमीटर की सड़क बन जाती है और बिजली का डेवलपमेंट है और डिजिटल मार्केटिंग का डेवलपमेंट है, तो ये मोदी है तो जब ही संभव है। अच्छा आप, मैं पैसे पे बात करता हूँ, आजकल इंडियन करेंसी को रुपए को ग्लोबलाइजेशन करना चाह रही गवर्नमेंट, 21 देश हमारे जो है रुपए के उसमें ट्रेड करने के शुरू कर दिया है, और हमारी जो UPI है वो कई डेवलप्ड कंट्री जैसे USA है, जापान है, वो भी उसे अडॉप्ट कर रही, क्योंकि जो इसमें UPI में जो आजकल हम डिजिटल ट्रांजेक्शन में वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो आप क्या कहेंगे ये मोदी राज में संभव हुआ है या इसमें कहीं ना कहीं योगदान जो पहले हुआ था नोटबंदी हुई थी उसका भी योगदान है? देखो जी नोटबंदी से फर्क तो पड़ा है ठीक है, और रही डिजिटल करेंसी की बात,
तो जैसे जैसे समाज शिक्षित हो रहा है वैसे वैसे उसको बढ़ावा मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितना भी आज का युवा बूथ है वो मोदी की तरफ आकर्षित तो है। आज के भारत को आप कैसे देखते हैं इंटरनेशनली? 2047 तक मुझे लगता है कि जैसे चल रहे हैं हमारा देश विकसित देश में शामिल होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सारे यूथ हैं, किसका जोर है यहाँ? बीजेपी। आपके यूथ के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हमारे ये हैं, आजकल की व्यवस्था देखते हुए और बहुत सारे प्रोग्रेस देखते हुए तो उस वजह से तो हम पहले बीजेपी वोट देंगे। अच्छा। दूसरी वजह यह है कि नकली पैसा, ये धंदौलत और ये फलाना हाईवे, ये इंसान प्लस पॉइंट नहीं देखता, नेगेटिव पॉइंट देखता है कि भाई दो नंबर का जिसका पैसा निकल गया ठीक है, और अब वो दो नंबर कमा नहीं पा रहा, और ना आजकल एजुकेशन में दो नंबर चल रहा, ना आजकल कहीं चल रहा। तो उस मोटिव से हमारा ये मोटिव है कि भाई बीजेपी को जिताएं। अपोजिशन बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस पे क्या कहोगे? बेरोजगारी नहीं है, लोग काम करना नहीं चाहते, और बहुत सारी हाँ जगह पे है, बहुत सारी अभी छोटे छोटे शहर हैं जहाँ छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ है, पर अधिकतर जैसे गाजियाबाद NCR जैसी जगह हो गई, यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है, कहने की बात चीज़ है सारी। अच्छा, जो करना चाहे काम बहुत है। काम बहुत है, हर चीज़ का काम है, छोटे से छोटे लेके और बड़े से बड़े लेके। आजकल भीख क्यों मांगते हैं, इंसान को काम नहीं करने वाले। इंडिया की इमेज है इंटरनेशनली कैसे देख रहे हो? बहुत ऊपर, पहले से बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। हाँ, आज देश में करप्शन का क्या हाल है? नेगेटिव, बिल्कुल माइनस पॉइंट पे है, माइनस पॉइंट। हाँ, चाहे पीछे पीछे हो रहा हो, कहते हैं ना कुछ लोग कि भाई चीज सामने नहीं आ रही, बहुत सारी चीज हो भी नहीं रही, चीज सामने जब आती है जब होती है। हाँ, तो आज भी ऐसा एक पॉइंट बताइए जो मोदी जी के आने से देश में बदलाव, कौन सा पॉजिटिव बदलाव आया जो मोदी जी की वजह से हुआ? मोदी जी की वजह से रूल्स और रेगुलेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, स्ट्रिक्टनेस बढ़ी है काफ़ी, जैसे पुलिस वाले मतलब हाँ सतर्क हुए हैं, ध्यान देने लगे हैं चीज़ों पर। आजकल डिजिटलाइजेशन का वो है जमाना है और ई मार्केटिंग चल रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग चल रहा है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? सबसे फायदेमंद चीज़ है आजकल हर चीज़ को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ठीक है, और ऑनलाइन भी चल रहा है तो इसमें ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन। चलिए, अब यंग है, सोशल मीडिया आजकल बहुत है, मैं आप हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा है, अब सोशल मीडिया का सही यूज करने के लिए क्या जरूरत है? आप जो यूथ है उसे क्या कहना चाहेंगे कि किन चीज़ों से दूर रहें और किस चीज़ों से अट्रैक्ट हों? जो बुरी चीज़ें उनसे बुरी रहें, जो सबको पता है, पर फायदे ये हैं, जैसे आप कुछ भी काम खोलने वाले हो या कुछ भी मतलब आपका प्रोसेस बिजनेस है तो आप उसको ऑनलाइन लें जिससे आपको फायदे ही हों, और ऑनलाइन के फायदे ही फायदे हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बढ़ता है तो ऑनलाइन बढ़ता है, तो ऑनलाइन बढ़ता है तो मार्केटिंग बढ़ती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। गाजियाबाद लोकसभा सीट में आप किसे जीता के ला रहे हैं? या जनता पार्टी? अच्छा जी, ऐसा क्यों? जो मोदी जी ने कर दिया वो कोई कर नहीं सकता जी, धारा 370 पर कोई हाथ नहीं लगा सकता था, जो उन्होंने करके दिखाया वो कोई नहीं कर सकता था। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, देश में मोदी जी के फेस पे वोट पड़ रही है या लोकल कैंडिडेट के वोट पे, या 10 साल जो मोदी जी ने राज किया? केवल मोदी जी का है जी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये जिंदा हुई है, ये मर चुकी थी पार्टी, इसको जीवित जो रखा है वो मोदी जी ने रखा है। तो आप क्या वन मैन आर्मी बोलना चाह रहे हैं मोदी जी को? हाँ, वन मैन आर्मी। अच्छा, चले एक चीज बता दीजिए आप जी, अभी देश में देश के जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं उनके साथ अपोजिशन बोल रहा है कि हमारे संबंध खराब हो चुके काफी मोदी राज में। संबंध हमारे बहुत अच्छे हुए हैं जी, और विकास के क्षेत्र में भी देश आगे बढ़ रहा है जी, ये भी सभी को दिखाई दे रहा है। लेकिन अपोजिशन तो बोल रहा है कि हमारा जो महंगाई बढ़ गई है और जो बिजनेसमैन है वो ठप हो गए, सिर्फ तीन घटी कौन सी सरकार में थी सरकार, वो बोलते हैं सिर्फ चार पांच बिजनेसमैन है जिसे वो मोदी ने पैसे वाला कर दिया, बाकी तो कुछ। किसी भी सरकार में महंगाई कभी नहीं घटी जी, जी, जी। मोदी जी पर ये बिना बात की तोहमत और आक्षेप लगाए जाते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता 10 साल बहुत हो गए, अभी अपोजिशन को भी थोड़ा मौका दे देना चाहिए? उसमें भी राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी न्याय यात्रा, उसमें कई मतलब पार्टी हैं, 26-27 पार्टी हैं, तो वे भी देश के लिए भला करेंगे? ऐसा नहीं लगता, उन्होंने तो देश को सदा लूटा ही है। अच्छा, हाँ, तो आप मोदी जी के तीसरा टर्म देने के मतलब लिए बोल रहे हैं ऐसा कि देश देना चाहता है या आप देना चाहते हैं, तो ऐसा क्या काम किया मोदी जी? चलो 370 और ये
और क्या मतलब ये दो ही कामों से राम मंदिर और 370 से तो तीसरे मोदी जी के काम तो बहुत सारे हैं जो कि जनता के सामने उतने नहीं आ पाते हैं या बताए नहीं जा सकते हैं या यूं कह सकते हो कि केवल मोटे मोटे जो चीजें हैं वो दिखाई देती हैं। अच्छा, बाकी हर स्टेट में जो है काम उन्होंने किया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो फ्री बीज अभी पब्लिक को रिझाने के लिए अनाउंस कर रही है, अपने इसमें दे रहे हैं मैनिफेस्टो में, जैसे मोदी जी ने भी बोल दिया अगले 5 साल तक हम फ्री राशन देंगे, तो आप इसे क्या बोलते हैं, वेलफेयर स्कीम बोलते हैं या इसे फ्री बीज के उसमें रखोगे ताकि लोग मतलब वोट ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट। गरीबी की रेखा से नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं जिन्हें वास्तव में खाने के लिए तरसना पड़ जाता है, उन लोगों को मोदी जी का, मोदी जी ने उनका ख्याल रखा। एक चीज बताइए, क्यों ना उन्हें रोजगार दिया जाए फ्री राशन के बगैर, वो तो फिर निष्क्रिय हो जाएंगे, एक तरह से निठल्ले हो जाएंगे फ्री राशन मिलने से। नहीं, फ्री राशन कामगार तो मजदूरी करता ही करता है, अब 300 रुपए उसे मिलते हैं पर डे के। नहीं सर, अभी तो 600 रुपए मजदूरी होगी पर डे की, आप 6000 में है। नहीं, 600 रुपए, चलो 600 रुपए भी मजदूरी हो गई तो उसी महंगाई के रेशो में आदमी जिंदा है, राशन मिल रहा है तो उसकी सहायता हो रही है। अच्छा, उसका आपका मतलब ये है कि राशन से वो अपने जो मेहनत कर रहा है वो उस पैसे से अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकता है और दूसरे एक अच्छी लाइफ जी सकता है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।